हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, मैं आपका भाई नरेश कुमार आज आपके सामने आया हूँ वही उसी वीडियो को लेके जो ये 5 रुपये वाला नोट था, पेंडिंग में वीडियो था उसी को लेके। ये भी नोट आज मैं इसको देने वाला हूँ और वो क्या कहता है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग क्या बताता है, ये इसमें नोट में उसको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना, ताकि जिसके पास भी इस तरह का नोट्स, इस तरह के सिक्के हो, वो अगर मेरा बिकेगा तो उनका भी बिक जाएगा और मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो आप भी सब सतर्क हो जाओगे। तो ये देखिए, ये 5 रुपये वाला नोट है। इसकी मैं पहले आपको डिटेल्स सारी बता ही चुका हूँ अगले भी पहले वाले वीडियो में। ये जो 5 रुपये वाला, ये जो ट्रैक्टर वाला निशान है, ये जो सूर्य वाला निशान है पीछे, ये इम्पोर्टेंट बताया जाता है। इसके अलावा ये जो नंबरिंग सिस्टम वाला है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये इसका एड आपको मिलेगा। इसका एड मेरे को इसी में मिला था, तो मैं अब उसको कॉल करता हूँ और इसकी फ़ोटो भी उसको सेंड कर देता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ, क्या कहता है, क्या प्रोसेसिंग बताता है। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, पूरी डिटेल्स उससे लेंगे अपन और क्या कहता है। ठीक है। हाँ जी सर, नमस्कार। सर मैं वो कल बताया था सर, वो जानकारी ली थी नोट्स की आपसे। सर कल आपसे सारी जानकारी ली थी ना नोटों की। सर मैं वहाँ से वही बात कर रहा हूँ सर। वो एक जो 5 रुपये का जो नोट है वो मैं बेचना चाहता हूँ और मेरे कस्टमर्स को भी बताना, मेरे व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ उसके साथ। सर मैंने आपको शेयर किया डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया है तो मुझे बताइए। सर मैं अभी तो आपको नोट की फोटो भेजता हूँ। हाँ जी सर, तो आप नोट को चेक कर लीजिए पहले, नोट की जो भी प्रोसेसिंग है वो मेरे को। आप अपने नोट की फोटो भेजिए सर मेरे को। जी आप चेक कीजिए, मैंने नोट की फोटो आपको भेज दी है, चेक कर लीजिए सर। ये जो 5 रुपये का नोट वाला है, ये पीछे पीछे सूर्य का निशान है, ये वाले नोट है सर, यही देना है सर। इसी का मैंने आपको आपका एड देखा है इसी के ऊपर। कितने रुपए लगे सर? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। प्रोसेसिंग ये रहेगी, आपका आधा पेमेंट पहले किया जाएगा, आधा पेमेंट किया होने के बाद आपके से पेमेंट जो नोट रिसीव किया जाएगा उसका किया जाएगा। मतलब सर पेमेंट होगा, बाकी का पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट होगा। अभी कितना पेमेंट किया जाएगा? अभी आपको पेमेंट करना होगा 5.5 लाख रुपए करना होगा, जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा मेरे को सर। अच्छा, मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा पहले तो सर। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट तो शेयर कर दीजिए, कर देंगे, लेकिन अभी 5.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे? हाँ सर, वो अकाउंट में आएंगे आपके। अच्छा, तो सर बाकी पेमेंट? बाकी पेमेंट सर जो है वो जब नोट आपसे क्रिएट किया जाएगा उस टाइम दिया जाएगा। वो क्रिएट कब किया जाएगा वो सर मैं आपको टाइम बता देंगे सर। मतलब कब बताओगे सर? सर वो जैसे हम आपको कितना, आप कितने दूरी पे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, उस हिसाब से हम आपको टाइम बताएंगे, क्योंकि आप जिस स्थान में आपको एड्रेस देगा उस एड्रेस का लोकेशन देगा वहाँ अपना कस्टमर सेंड करेंगे। या हम आपके वहाँ तक भेज दें? हैं? हम भेज दें या आपके वहाँ तक? हाँ सर। नहीं, आपके जब नहीं सर, हम अपना कस्टमर आएगा सर जो यहाँ पे कंपनी में काम करता है वो। अच्छा, वही आएंगे लेने के लिए? हाँ जी सर। तो सर अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अभी आपको ये करना है सर, आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अकाउंट डायरेक्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं सर? कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं? इसके अंदर अकाउंट, एक तो बैंक डायरी होता है आपका, एक ठीक है पैन कार्ड होता है और एक अपना जो भी आधार कार्ड है वो। अच्छा, आधार कार्ड, बैंक डायरी और पैन कार्ड आपको सेंड करना है। तो सर ये पैन कार्ड आप क्यों मांगते हैं सर? हाँ सर, पैन कार्ड क्यों मांगते हैं? पैन कार्ड ऐसे सर। हाँ जी सर, ऐसे ही। अच्छा, तो मेरे को सर ये जो, हाँ जी, वो एक आईडी के रूप में जो कि अपना अकाउंट के अंदर जो लंबा पेमेंट, बड़ा पेमेंट करना होता है तो सर उसके अंदर पैन कार्ड का नंबर लगाना जरूरी है टैक्स के लिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अभी मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दूंगा जैसे ही मैं, तो उसके बाद में क्या प्रोसेसिंग रहेगी आपकी? प्रोसेसिंग ये रहेगी सर, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मेरे से एक ओटीपी आएगा, जिसको ओटीपी आपको बताना होगा मुझे। अच्छा, ओटीपी आएगा? हाँ सर, वो ओटीपी मेरे साथ बताना होगा, मैं बता उस ओटीपी को यहाँ से क्लिक करूंगा, आपका तुरंत 10 मिनट के अंदर आपका आधा पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आधा पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? अच्छा, आधा पेमेंट आ जाएगा और बाकी आधा पेमेंट बाद में जो आप जैसे ही बता रहे हो वैसे आ जाएगा, है ना? हाँ जी सर। तो सर मेरे को डॉक्यूमेंट पहले भेजने पड़ेंगे, तो मैं आधार कार्ड भेज देता हूँ आपके पास, है ना? मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बैंक डायरी सर, सभी डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अकाउंट में अगर नोट का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अकाउंट जैसे आप भेजोगे वो रजिस्ट्रेशन करके आपका पेमेंट क्लियर करेंगे सर।
तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मेरे डॉक्यूमेंट भेजूँ या किसी और के भेज के, मेरे फैमिली तो मेंबर, आप खुद ही अगर नोट भेजना चाहते हो, आप अपने ये डॉक्यूमेंट भेजो सर। मतलब जिसके नाम से पेमेंट उठाना है उसी का डॉक्यूमेंट, हाँ हाँ सर, तो मैं मेरे ही नाम उठाना चाहता हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट हाँ सेंड सर, कर आप देता अपने हूँ। डॉक्यूमेंट भेजो मेरे पास। एक मिनट सर, आप चेक कीजिए, आधार कार्ड मैंने भेज दिया है हाँ तो सर, और आधार कार्ड अगर भेज दिया, बाकी का डॉक्यूमेंट भेज दिया, तब तक तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको ओटीपी सेंड करता हूँ आधार कार्ड के द्वारा। पासपोर्ट साइज फोटो भी भेज दिए है, बैंक डिटेल्स भेज दिया सर, देख लीजिए आप, चेक ठीक कीजिए, सर, चेक करता हूँ आपसे। चेक कीजिए आप सर। अब क्या रजिस्ट्रेशन होगा, मेरे को कोई मैसेज आएगा? हाँ सर, आपके पास ओटीपी आएगा है, वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस ओटीपी के जो आपके ओटीपी है वो मुझे शेयर करना होगा, जिससे मैं आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंफर्म। मतलब मेरे द्वारा एक मैसेज आएगा आपको, जो आधार कार्ड के नंबर से द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन के एक ओटीपी आएंगे सर आपको। रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के नहीं, लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन एक ओटीपी चार्ज थोड़ी आएगा। नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज थोड़ी लगेगा। नहीं रजिस्ट्रेशन चार्ज 0 है सर। हाँ, 0 ही है ना। तो हाँ सर, अब आपको एक ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ओटीपी शेयर करते आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा बाद में सर। अच्छा, ओटीपी शेयर करना पड़ेगा। ओटीपी मुझे बता दें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके कब तक ओटीपी में आ आएगा सर, जाएगा। ओटीपी कब आएगा? अभी आ रहा है सर, तो आ गया होगा, आप देख लीजिए अपने नंबर पे, मैंने लगा तो दिया है आपके ओटीपी अभी। ये तो ये ओटीपी किसका है? सर आपके रजिस्ट्रेशन का है, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास ये ओटीपी आएगा सर। तो रजिस्ट्रेशन तो आप कर रहे हो ना, यहाँ ओटीपी आया आपका हाँ तो एक। मैं ही तो कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, इसके लिए तो ओटीपी है, आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है वो दर्ज करने के लिए ओटीपी आ जाए आधार कार्ड के द्वारा, तो आप उसको मुझे बता दें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। आया है सर, ओटीपी आया है, 6 डिजिट का ओटीपी आया है। लेकिन सर ये हाँ आप कैसे पूछ रहे हो, इसका क्या कारण है? कारण क्या था आपका सर रजिस्ट्रेशन आप का, तो मैं आपको जीरो फिर बता से रहा एक था बार जीरो ना, पूछ रहा हूँ मेरी आपको। बात सुनी सर। पहले जो वीडियो बनवाया सर आपने, पहले तो सारा बताया कि आप कस्टमर्स को बता देना ये इससे सिस्टम है हमारा, कोई हाँ हम तो वो चार्ज नहीं कस्टमर से लेते। मैंने पहले भी बताया कर रहा हूँ, नहीं, जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजोगे मैं रजिस्ट्रेशन पे, आपके जो भी ये ओटीपी ओटीपी होगी क्यों जैसे मांग आपका रहे हैं? मेरे रजिस्ट्रेशन हो बैंक जाएगा, नंबर आपने आपका ले थोड़ा लिए, बता रहा हूँ मैं, तो आपका मेरे जितने भी अकाउंट आधार नंबर, प्रोसेसिंग की जो बात है वो पूरी बताई, जैसे मैंने मेरे आपको अकाउंट ओटीपी। नंबर ले लिया आपने, मेरे आधार कार्ड भी आपने ले लिया, अब आप एक ओटीपी भेज रहे हो सर। हाँ सर, मेरे खाते में 0 बैलेंस है, मैं ओटीपी तो बता दूंगा, लेकिन ये सोच लेना, हाँ सर, वो उनको दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट कितना भी हो आप उतना ओटीपी भेजिए सर, मेरे पास जो ओटीपी है मेरे जल्द भेज उससे देंगे क्या ओटीपी, 5 मिनट होगा टाइम है सर, 5 मिनट अभी टाइम हो जाएगा, फिर ओटीपी वापस सेंड करने के लिए मुझे टाइम। सर। ओटीपी का क्या सिस्टम है? ओटीपी तो सर मेरे ओटीपी मेरे में खाते सर में, मैं आपको आपको मेरे पास समझा अकाउंट देता हूँ, भेजोगे पहले सर, बता देता हूँ, मैंने पहले ही सर बताया मैं अकाउंट आपको, की प्रोसेस आपको पहले बता देता हूँ तो मैंने ही पहले बता चुका हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, पहले बता देता सर, हूँ। जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं चलेगा, जो अकाउंट चलेगा वो वही अकाउंट चलेगा जिसके अंदर अभी आपका अभी आप बैलेंस पहले जीरो तो दो कह हजार रहे रुपये हो। थे, अभी आप पहले जल्दबाजी में तो आपने कह दिया चलेगा। नहीं सर, जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है वो नहीं चलेगा सर, जो अकाउंट में कम से कम 2,000 रुपये का आपका पेमेंट होना चाहिए वही अकाउंट आपको सर चलेगा। सर तो उससे क्या होगा, 2,000 रुपये होना जरूरी क्यों है? ये जीरो बैलेंस का अकाउंट लगता नहीं है सर प्रोसेसिंग में। अच्छा, तो 2,000 रुपये होना अकाउंट में जरूरी है और फिर आपको ओटीपी बताना जरूरी है, मतलब ये है सिस्टम, है हाँ जी ना? सर, हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है इसका, मैं समझ गया। मेरे कस्टमर्स यूजर्स को आप पागल बना रहे हो और मेरे को भी बना रहे हो, ठीक है? सर आप मेरा टाइम खराब मत कीजिए सर, टाइम मैं तो आप मेरे आपने वहाँ पे किया है ना कस्टमर 2 दिन से मेरा खराब, मैं सोच रहा था 2 दिन से कि आप लेओगे, हैं सर, ऐसा कोई और सिस्टम आपने नहीं तो है। ओटीपी बता दिया, एक शर्त भी डाल दी कि इतने रुपये होना जरूरी है, ये कौन सा तरीका हुआ? सर आपको बेचना है या नहीं बेचना ये बताइए सर। चलो इस तरह से मेरे को नहीं बेचना, आप सब फ्रॉड करते हो, ठीक है? ठीक सर, तो देखिए दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो में इसने सारा सिस्टम बताया था कि ना तो मैं आपसे कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने वाला हूँ, ना आपसे कोई ओटीपी मांगने वाला हूँ, अभी जल्दबाजी में पहले इसने ऐसा भी कह दिया कि आपके अकाउंट का जो आपके पास ओटीपी आया है वो बता दीजिए। मैंने इसको पहले बताया अकाउंट में पैसे नहीं है, तो पहले तो हाँ कर दी, ठीक है, फिर कह रहा है आपके अकाउंट में 2,000 रुपये होना ज़रूरी है। तो ये नोट फिर भी यहीं रह गया है, नहीं इसने भी अपन से ओटीपी मांगे है, तो अपन ओटीपी दोस्तों नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि अगर अपन ने ओटीपी एक बार सेंड कर दिए तो अपने पूरे अकाउंट को हैक कर सकते हैं, ये पूरे अकाउंट से अपने अगर पैसे हैं तो उड़ा सकते हैं। तो आपके पास भी इस तरह से कोई भी SMS करे, कोई भी कॉल करे, इस तरह से आप किसी से बात करें, तो कतई अपने ओटीपी नहीं बताएं, ना ही अपने वो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे मैं नहीं रखता हूँ, अभी 0 बैलेंस मेरे अकाउंट में है, और ना ही इस तरह से मैं सारे डिटेल्स भेजता हूँ, जो मैंने बैंक डिटेल्स भेजी है वो भी इसके पास गलत ही भेजी है, और
जो आधार कार्ड है ओटीपी भेजे हैं इसने, वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजे हैं, बाकी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यूं ही इसके पास भेजे हैं। तो एक अपन को इस तरीके से अपन को पता करना था कि वास्तव में ये खरीदता है या नहीं खरीदता है, तो ये फ्रॉड निकला। अपन को इस तरह से लोगों से बचना है, ओटीपी नहीं भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल नहीं भेजने हैं, ना ही अपन को रजिस्ट्रेशन चार्ज भेजना है। ये फ्रॉड लोग होते हैं, फ्रॉड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।